मित्रों, मैंने अभी अभी चैट जीपीटी का गंदा वाला टेस्ट लिया है। जैसे फ्रिज खोल के पूछ रहा हूँ, तीन चीजों से क्या बन सकता है, या न्यूज़पेपर की इस एड को और कैसे अट्रैक्टिव बनाऊं, अगर बिना पैराशूट के आसमान से गिर रहा हूँ तो कैसे बचूं, या मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए हैं, उसमें से मुझे एक एड बनानी और अपनी सेल्स बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाऊं, बिना पानी के कैसे नहाऊं, बिना पेन के पेपर में कैसे लिखूं। क्या बात कर रहे हो, आपको नहीं पता GPT-4 कैसे यूज करें फ्री में? आओ बताता हूँ। मैंने 3 दिन पहले एक शॉर्ट बनाया था जहाँ पर मैंने बताया था GPT-4 जो कि मल्टी मॉडल AI पे काम करेगा, यानी ना केवल सिर्फ टेक्स्ट, वीडियोस, इमेजेस, ग्राफिक्स सभी के इस्तेमाल से आप GPT से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वो उनका आंसर देगा जो अभी तक हम सिर्फ टेक्स्ट में कर रहे थे। अगर आपको इमेजेस का एग्जांपल लेना है तो मिड जर्नी का ले सकते हो। और GPT-4 की कैपेबिलिटीज इतनी है कि दुनिया के सारे टफेस्ट एग्जाम्स में वो 75% बेटर परफॉर्म कर रहा है, ज्यादा परसेंटाइल ला रहा है एग्जाम में प्रीवियस जनरेशन से। और इसका एक कारण ये है कि 175 बिलियन पैरामीटर्स पे GPT-3.5 काम करता था, लेकिन GPT-4 जो है वो 100 ट्रिलियन पैरामीटर्स पे काम करता है। सोच सकते हो, 90 से 99% के बीच में ला रहा है ये एग्जाम में, लेकिन UPSC क्रैक नहीं कर पाया। और बहुत सी एप्स ने ऑलरेडी GPT-4 के API को यूज करना चालू कर दिया है, जो आगे इस वीडियो में बताऊंगा इससे क्या बिजनेसेस बन सकते हैं और कहां ये एरा जा रहा है फ्यूचर में। GPT-4 वीडियो एनालिसिस और डेवलपर्स के लिए एक अच्छा खासा जंप है। जैसे GPT-4 में अब आप ड्राइंग से भी वेबसाइट बना सकते हैं, जो इन्होंने लाइव अपने चैनल पे डाल रखा है वीडियो। वैसे हमने ये GPT-4 के बिना ही कर लिया था, डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगी या आई बटन पे आइसक्रीम खाते हुए मिल जाएगी। GPT-4 का सबसे अच्छा यूज अभी एडटेक सेक्टर ले रहे हैं, जहां हम खान अकेडमी ने अपने प्रॉब्लम चेकर और प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में अपने चैट असिस्टेंट के साथ GPT-4 को कनेक्ट किया, और डुओलिंगो इसका इस्तेमाल कर रहा है अपना कॉन्वर्जेशनल AI के रूप में, ताकि आप अलग अलग भाषाओं में कॉन्वर्जेट कर सके AI से, वो भी ह्यूमन जैसा AI। GPT-4 की एक खास बात है उसकी कॉन्शियसनेस, जो हम वीडियो में अभी देखेंगे। लेकिन अब बात आती है इसको यूज कैसे किया जाए, बे इसका टेस्ट भी तो लेना है। तो GPT-4 एक पेड मॉडल है, लेकिन उनका क्या जो फ्री में यूज करना चाहते हैं, वो दोनों तरीके बताता हूँ मैं। और उसके लिए आपको चैट GPT प्लस के सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो कि $20 का बता रहा है, लेकिन आपको अंदर की बात बताऊं तो ये $23 का है टैक्स मिला के। और लगे हाथ हम ये भी जान लेंगे सब्सक्रिप्शन लेना भी है कि नहीं लेना, क्योंकि मुझे कुछ एक बात चीज मैंने नोटिस करी कि चैट GPT प्लस का सब्सक्रिप्शन भी ले लो चाहे बिंग का यूज कर लो फ्री में, समझ गए, दोनों में ही आपको एक चीज नहीं मिलेगी चाहे आप कितने भी पैसे दे दो। जैसे कि हम जानते हैं GPT-4 मल्टी मॉडल AI पे काम करता है, लेकिन ये मल्टी मॉडल अभी पब्लिक नहीं हुआ है, और मैंने इसलिए देखने के लिए ये सब्सक्रिप्शन लिया कि इमेज को कैसे एनालाइज करता है। इमेज का तो ऑप्शन ही नहीं दिखा मुझे वहाँ। मैंने AI को बताया, GPT-4 को तो अपनी क्षमताओं पे भी भरोसा नहीं था। मैंने बताया उसको कि आप अब एक मल्टी मॉडल AI हो, अपनी शक्तियों को पहचानो। वो कहता है नहीं मैं तो टेक्स्ट वाला हूँ, वो कहता है नहीं मैं तो टेक्स्ट मॉडल बेस्ड हूँ, मुझे नहीं आता ये मल्टी मॉडल इमेजेस को एनालाइज करना। मैंने उसे बार बार समझाया कि भाई तू समझ, तू अपनी शक्तियों को पहचान। तो मेरे को बड़ी गुस्सा आ गई, मैं सीधा गया हेल्प सेंटर में, मैंने बताया कि भैया इसका इमेज मॉडल कैसे यूज किया जाए, विजुअल इनपुट कैसे डाला जाए ताकि ये एनालाइज करे, आपने वीडियो तो बना दिया। और वीडियो देखते समय मुझे एक खास चीज नजर आई, डिस्कॉर्ड। मैं गया इनके तुरंत डिस्कॉर्ड सर्वर पे, OpenAI सर्च किया, खोला तो देखा क्या फीचर्स में लिखा हुआ है कि विजुअल इनपुट अभी पब्लिक किया ही नहीं गया है। पोपट हो गया। लेकिन मैंने फिर भी यूज किया इसके इमेज मॉडल को, पता है कैसे? क्योंकि इसने AI ने मुझे खुद बोला, अगर आप मुझे इमेज का डिस्क्रिप्शन दे दे तो मैं उससे अच्छे आंसर्स बना सकती हूँ। हमने भी कहा चलो ट्राई करते। तो पहला सवाल हमने ये पूछा कि मेरे पास टमाटो केचप है, एक ब्रेड का पीस है, जैम है, उससे मुझे 2 ब्रेकफास्ट बनाने हैं, तो मैं क्या बनाऊं? उसका जवाब आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आप एक खास चीज देख रहे होंगे, जब आप चैट GPT प्लस में जाते हैं ऊपर आपको मॉडल नंबर दिए रखे होंगे। अब यहाँ से आप पता कर सकते हैं किसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी कॉन्शियसनेस ज्यादा है। लेगेसी 3.5 का तो मैं समझ रहा हूँ कि क्यों ही है ये, लेकिन GPT-4 का हमें साफ दिखता है कि स्पीड भले ही कम होगी लेकिन कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा होगी। अब मैं इससे पूछता हूँ कि बिना पैराशूट के अगर मैं कूदूं तो कैसे जान बच सकती है, और इस सवाल से इसकी कॉन्शियसनेस का पता चलता है। इसने मुझे 6 तरीके बता दिए बचने के, लेकिन लास्ट में ये भी कह दिया
कि यहाँ पर बचने की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप इन चीजों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें पांचवा पॉइंट सुनिए क्या है, रिलैक्स योर बॉडी। इसने फिजिक्स के रूल्स को भी ऐड कर दिया अपने पहले वाले पॉइंट में। अपनी बाहों को फैला लो और स्टार फिश का एक स्टार फिश जैसा बॉडी बना लो ताकि ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो फैल जाए। इसको कोई समझाओ 6000 फीट से क्या होगा इससे। खैर ये एक बिजनेस चैनल है तो हमने अब इसके बिजनेस के बारे में पता करा, क्या ये मार्केटिंग कर सकता है कम से कम पैसों में। तो हमने पूछा कि अगर हमें न्यूज़पेपर में कोई एड देनी है अट्रैक्टिव वे में तो हम कैसे दे सकते हैं कम से कम पैसों में। इसने मुझे सिंपल हुक हेडलाइंस, एड साइज, कॉन्ट्रास्ट और एक छठवां पॉइंट जो कि सबसे मेन, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज या कम से कम कलर्स का यूज करके हम इसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। मैं बड़ा हैरान यार, कम से कम कलर्स में कैसे हम अट्रैक्टिव बनाएंगे। तो मुझे याद आया इक्सिको की ये एड जो न्यूज़पेपर में आए थे और कितना एक ही कलर का इन्होंने इस्तेमाल किया और सिंपल सी भाषा में अपनी पूरी एड को डिफाइन कर दिया। उसने ये भी कहा कि अभी पैसे बचाने हैं तो या तो फ्रीलांसर से करवा लो, डिस्काउंट की तलाश में रहो, या पहले टेस्ट करो और एनालाइज करो कि ये एड काम करेगी कि नहीं, वरना उसे हटा के दूसरे पेज पे करो। और मैं आपको बता दूं, इन तीन सवालों से ही इसके पैरामीटर्स के बारे में पता चलता है जो कि अब 100 ट्रिलियन हो चुके हैं। और कॉन्शियसनेस के मामले में ये हमें एंड में अपनी राय भी रखने लगा है। मैंने ये नोटिस किया GPT-3 में हमें इतना देखने को मिलता था, GPT-4 में अब ये एंड में अपने भी व्यूज रखने लगा है। तो इसका यूज हम बिजनेस में कैसे कर सकते हैं या इससे बिजनेस कैसे बना सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि GPT-3 का जो एरा था वहां पर हमें कई सारे स्टार्टअप्स देखने को मिले जो वेबसाइट बिना कोड के या ग्राफिक्स बना रहे हैं चैट GPT का इस्तेमाल करके। अभी तक हम देख रहे थे टेक्स्ट जनरेशन का एक एरा जहां पर लोग टेक्स्ट से ही अपना कंटेंट बना रहे थे, कंटेंट राइटिंग कर रहे थे, ग्राफिक्स बना रहे थे, वेबसाइट्स बना रहे थे। अब जो एरा आएगा वो आएगा इमेज एरा का, टेक्स्ट के बाद सीधा इमेज, जहां पर आप इमेज से अब कंटेंट बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, वेबसाइट्स बनाएंगे और क्या कर सकते हैं कमेंट करके बताओ। तो आपके पास ये अर्ली अपॉर्चुनिटी बनती है इमेज जनरेशन टूल को बनाने की इनके API के इस्तेमाल से। लेकिन आपको GPT-4 के मजे बिना GPT-4 के भी मिल सकते हैं बिजनेस बनाने के लिए। लेट वाली वीडियो उसी के बारे में है और राइट वाली वीडियो में सोशल मीडिया बिजनेस कैसे बनाया जाए चैट GPT की मदद से वो मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी। मैंने बोल दिया।